जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड के सियासत गलियारे में भूचाल मच गया है। जहां एक और जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी, तो वहीं आज यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार है, वो चाणक्य बेनार स्पेशली रांची में चाणक्य बेनार में आए हुए हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता भी किया जो हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कहा है, बहुत बड़ी बात, कि पूरा देश के लोग जो है वो डरे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर डरे हुए हैं, जो मेन एजेंसी है उनको हथियार बनाया जा रहा है। उनका जो इशारा था कहीं ना कहीं ईडी की तरफ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सेंट्रल एजेंसी है उनको हथियार बनाया जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, सारा कैबिनेट मिनिस्ट्री डरा हुआ है इस सरकार से, इसलिए कोई खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है, दुखी है सारे लोग। ऐसे कई सारे मसले पर उन्होंने खुलकर बात की। वैसे द्रौपदी मुर्मू के सवाल पर साफ तौर पर कहा कि वो बहुत ही सभ्य महिला है, मैं उस पॉइंट ऑफ एंगल से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो बोलूंगा अपने लिए ही बोलूंगा। आइए सुनते यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद संविधान में सर्वोच्च पद है, लेकिन और हर 5 साल पर उसके चुनाव होते हैं। इस बार का चुनाव कुछ बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। मैंने स्वयं भी कल्पना नहीं की थी जब मुझे विपक्षी दलों ने अपना साझा उम्मीदवार बनाया और मैंने स्वीकार किया, तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ये चुनाव जो है मेरे दृष्टिकोण से एक अभियान का रूप लेगा, लेकिन वही हुआ। और जहां जहां मैं गया वहां पर मैंने जैसे कहा कि मीडिया के मित्रों से बातचीत हुई और चारों तरफ एक संदेश जो हम देना चाहते थे वो गया, न केवल लोकल मीडिया में बल्कि देशी मीडिया में। संदेश क्या है? संदेश यह है कि हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन पद से बदतर होती जा रही है। जब हमने 29 तारीख को त्रिवेंद्रम से अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में था, इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है ये मैं आज रांची में कह सकता हूं, त्रिवेंद्रम में 29 तारीख को नहीं कह सकता था। और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया तो मेरा अभिप्राय उन सरकारी पार्लियामेंट्री आदेशों से है जो कल परसों के बीच में पारित हुए। आप सब अवगत हैं कि 2 डेवलपमेंट हुआ, एक तो यह हुआ कि संसद में बोलते समय कौन कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री माने जाएंगे इसकी एक सूची सर्कुलेट कर दी गई, और वो कितना हास्यास्पद है वो आप भी उतने ही वाकिफ है जितने हम वाकिफ। आप वहां पर खड़े होकर नहीं कह सकते हैं कि सरकार में कमी है, सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि ये सब अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न केवल सत्ता पक्ष के लोग, वो तो पहले से करते आ ही रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है सरकार के द्वारा कि वो सरकार का स्तुतिगान करेंगे, सरकार की शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने सरकार की शिकायत शुरू की तुरंत आसन से निर्देश आ जाएगा कि आपका ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, और मान लीजिए कोई धारा प्रवाह बोल रहा है और हर वाक्य में आप उसको टोकिए कि अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, तो फिर वो बोल कैसे पाएगा, अपनी बात रख कैसे पाएगा। संसद के अंदर जो चर्चा हो रही है उस पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, दूसरी बात संसद के ठीक बाहर, लेकिन संसद परिसर में आज तक यह अधिकार था राजनीतिक दलों का, यह अधिकार था संसद सदस्यों का कि वो आके बाहर विरोध करें। कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में विरोध हुआ और हाउस
हाउस में विरोध होने के बाद जब हाउस अडजर्न हो गया, स्थगित हो गई कार्यवाही, तो तुरंत विपक्ष के लोग बाहर निकलते थे और पार्लियामेंट परिसर में आकर अपना विरोध दर्ज कराते थे। महात्मा गांधी जी की जो विशाल प्रतिमा है उसके सामने बैठते थे, अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वहां बैठते थे, पत्रकार मित्रों से बातचीत करते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट परिसर के भीतर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते। जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर, देश का संसद, उस संसद का यह हाल हो गया। इसके पहले जो लोकशाही की संस्थाएं थी उसका एक एक करके किस प्रकार ह्रास हुआ, हम सब उससे वाकिफ हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन आज लोकशाही का जो मंदिर है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो इस प्रकार खत्म हो गया, तो अब हम कैसे कहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है? केवल 5 साल में एक वोट जाकर डाल देना, वो प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र को हर दिन जीवित रहना पड़ता है। वो प्रजातंत्र कहां गया जिस प्रजातंत्र को हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की, कहां गया वो संविधान? कहां गया संविधान? कहां गए संविधान की वो मूल्य? कहां गया हमारा प्रजातंत्र? इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की लड़ाई इस बार हो रही है वो उससे व्यापक हो गई। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लड़ाई की अंत का अंत नहीं है, लड़ाई की शुरुआत है। देश भर में घूमकर मैंने जो एक भावना देखी है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग बहुत उद्वेलित हैं, बहुत आहत है, बहुत दुखी है। अपने वो व्यक्त कर सके या ना व्यक्त कर सके, मीडिया के माध्यम से वो बात आगे बढ़े या ना बढ़ सके, लेकिन एक अजीब सा डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है, डर का वातावरण। और मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग चाहिए। उनके जो नंबर दो आदमी है ना, जो देश के गृह मंत्री होते हैं, वो भी डरे हुए हैं, कैबिनेट के सब मिनिस्टर्स डरे हुए हैं, संसद सदस्य डरे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग डरे हुए हैं, आम जन बिजनेसमैन डरा हुआ है। और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। और इसलिए मैं फिर जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो, बाकी सब लोगों को ये लोग दबा देंगे, चबा देंगे। और इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे अपने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं, पहचान की लड़ाई, कि वो किस वक्त से आते हैं, मैं किस वक्त से आता हूं, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा है उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। इन वेरी स्टार्क टर्म्स दिस इज दी
battle. This is the fight. तो आपने साफ तौर पर आप ये कहते उन्होंने कहा है कि देश में जो है वो माहौल अभी स्थिति सही नहीं है और साथ ही अपने लिए वो समर्थन जुटा रहे। आज लास्ट था रांची में उनका वोट मांगने के लिए जो था लास्ट था और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मैं नीतीश कुमार से मिलना चाह रहा था लेकिन लगता है उनका कद बहुत बड़ा है, मेरा कद छोड़ा इसलिए मेरा फ़ोन कॉल वो रिसीव ही नहीं करते हैं। खैर ये सारी बातें हो गई, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखासरा अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।